लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कोरोना संक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम के बाद देश में कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़े हैं। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को नमस्ते कोरोना करार दिया। उन्होंने कहा, ट्रंप के साथ अमेरिका से आए प्रतिनिधिमंडल के 5,000 लोग जहां जहां गए वहां वहां कोरोना संक्रमण के ज्यादा केस पाए गए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने चीन से आ रही किट सवाल खड़े करते हुए कहा कि इससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, सरकार को कोरिया या अन्य जगह से आ रही किट को खरीदना चाहिए। वहीं इंदौर के चौथराम अस्पताल में कोरोना मरीज से इलाज की राशि वसूली की बात सामने आने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने हमला बोलते हुए कहा कि एक ओर तो सरकार फ्री में इलाज के वादे कर रही है तो दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीजों से पैसे मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने गंभीर मामले की जांच की मांग की है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए दमोह गैंग रेप पर उन्होंने सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। एक तो चाइना की जो टेस्टिंग किट है उसको लेने की बात हो रही है, जिसको राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आपत्ति की है। इसके रिजल्ट गलत आ रहे हैं और रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, जो महंगी दामों पर दे रहा है चाइना, दुश्मन है हिंदुस्तान का, उससे कोरोना के समय इस तरह की किट लेने की क्या आवश्यकता है? इस पर पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। कोरिया और दूसरी जगह किट आ रही है, सस्ती आ रही है, वो लिया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार का मामला है। दूसरी बात, डीजल और पेट्रोल के भाव इंटरनेशनली कम हो गए हैं। जो क्रूड ऑयल का जो रेट है वो बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है। अमेरिका में वहाँ पैसे देते हैं अगर डीजल पेट्रोल लेता है, तो हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल के भाव कम क्यों नहीं हो रहे? पहली फुर्सत में डीजल पेट्रोल के भाव कम करके आम जनता को राहत दी जाना चाहिए, जो स्कूटर पर चल रहा है, मोटरसाइकिल पर चल रहा है, छोटी कारों पर चल रहा है। तीसरी बात यह है कि चौथराम जैसे हॉस्पिटल इंदौर का जो फेमस है, कोरोना इलाज में पैसा और किसी की वहाँ डेथ हो गई तो उससे पैसा दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर कोरोना में भी इस तरह की वारदातें होंगी तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे। फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों और आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन, इस पॉलिसी पे मध्य प्रदेश की सरकार को चलना पड़ेगा। नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, उनको इस ओर ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो लोग जिस तरह से कोटा से स्टूडेंट्स को लेके आया गया, इसी तरह जो मजदूर फंसे हुए हैं जगह जगह, उन मजदूरों को भी लाया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए। उस गरीब आदमी की इस बार खाने के लिए नहीं है, और जो जो ब्राह्मण पंडित पूजा करने के लिए गए थे औरंगाबाद महाराष्ट्र में, 20 परिवार हैं, उनको भी लाने का सरकार जतन करे। ये भी मैं गृह मंत्री से और स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन कर चुका हूँ। और एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि सब जनप्रतिनिधि कांग्रेस के, दूसरी पार्टी के भी दिख रहे हैं, लेकिन भोपाल की सांसद क्या ठाकुर जी कहीं नजर नहीं आई। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।